डॉल्फिन फुटवेयर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वोकोन रखे सब कंट्रोल में। आज मुझे बड़ी खुशी है, मेरे साथ काफ़ी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, जो रियासत अली हैं, जो गाजीपुर मंडी के जो चेयरमैन भी रहे हैं और प्रधान भी हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, मेरे मित्र हैं और सभी बैठे हैं। मेरे मित्रों, एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी देशवासी मुझे सुन रहे हों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है और मुद्दा है निजीकरण का। सरकार कोई न कोई ऐसे मुद्दे लेके आती है जिनमें विवाद तो होता है, पर यदि उन मुद्दों की तरफ कोई जाए और जायज और संविधान के हक में बात कहे तो उसे देशद्रोही कहना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण से संबंधित हो, चाहे नोटबंदी से संबंधित हो, चाहे घोटाले से हो, जब जब इन्होंने किया है कुछ ना कुछ देश के साथ और देश के कुछ लोगों के साथ गलत किया है। अब तो ये किसी को भी नहीं बकस रहे हैं। इन्होंने पहले सीए के नाम से एक बहुत बड़ा एक अन्याय किया मुस्लिम समाज के साथ। चलो वो मामला दबा, इनको बहुत प्रताड़ित किया गया, कोरोना के नाम से भी प्रताड़ित किया गया, कभी काले धन के नाम पर लोगों को लूटा गया, कभी नोटबंदी के नाम पर लोगों की स्थिति खराब कर दी, कभी जीएसटी के नाम पर व्यापारियों की भी हालत खराब कर दी, बिजनेस तोड़ दिए। और अब तो ये सरकार हर चीज़ को बेचना चाह रही है, निजीकरण करना चाह रही है। निजीकरण से कुछ चंद लोगों को तो लाभ होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, और देश को थोड़े दिन के लिए ऐसा लगेगा पैसा हो गया, परंतु सबकी सरकारी नौकरियां चली जाएंगी। सरकारी नौकरियों से किससे इनको जलन है, क्योंकि ये अधिकतर दलित समाज से और मुस्लिम समाज से ज़्यादातर जलन। कल मेरी मोदी जी के सेक्रेटरी से मिश्रा जी से बात हुई, मेरे पास रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, आप चाहें तो आपको मैं भेज सकता हूँ, और वो पड़ी हुई है। मेरे मित्रों, आप इस बात को समझो, उनकी तरफ से ये शब्द आया कि मुसलमानों को और दलितों को कैसे मारा जाए। वो मुझे योजना की बात कर रहे हैं, वो गुस्से में थे कि जो निजीकरण हो रहा है इसके लिए विरोध मत करिए, इसे सरकारी महकमे समाप्त हो जाएंगे, सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाएगी, हिटलर शाही हो जाएगी। और नौकरियों में जो आरक्षण होता है ना, सबसे बड़ा इसका कारण, सबसे बड़ा कहां से पैदा हुआ कि आरक्षण समाप्त कर नहीं सकते। जब भी आरक्षण समाप्त करने की बात कहेंगे दलित रोड पर आ जाएंगे, इनकी हालत खराब हो जाएगी, इनकी सरकार चाहे कितना भी बहुमत होते हुए नष्ट करना पड़ेगा राष्ट्रपति जी को। तो इन्होंने एक रास्ता निकाला कि यदि सरकारी नौकरी समाप्त हो जाए, सरकार के जो कि अधिनियम में जो भी फैक्ट्रियां, कंपनियां, रेलवे या जो भी महकमे आते हैं, बैंक इत्यादि, उन सबको समाप्त कर दिया जाए, तो सरकारी पद ही नहीं रहेंगे, नौकरियां नहीं रहेंगी, तो आरक्षण कहाँ रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आरक्षण अभी 10 साल और कम से कम बढ़ना चाहिए, इसे दोबारा से और बढ़ाना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। क्यों? एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अभी दलितों की वो हालत सही नहीं हुई है जो सामान्य वर्ग के साथ बैठ सके। मुझे इस बात का दुख है, कभी मुसलमानों को दबाया, आज दलितों को दबाया, और दलितों का मुद्दा होते हुए भी, पर दलित इस बात को नहीं समझ पा रहे, वो रोड पर नहीं आ रहे हैं। निजीकरण की आवश्यकता नहीं है, हमें राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है। हमारा बच्चा पैदा होता है, पढ़ाते लिखाते, हर माँ की इच्छा होती है, हर पिता की इच्छा होती है हमारा बच्चा सरकारी नौकरी लगे। आप सरकारी नौकरियां समाप्त कर रहे हो, अब प्राइवेट नौकरियां हैं वो 11 महीने की रहेंगी, किसी को रखें ना रखें, कितना वेतन रखें। मैं ये कहना चाहता हूं, देश एक पतन के रास्ते की तरफ जा रहा है। देश क्या दुर्भाग्य है कि मोदी जैसा व्यक्ति देश को मिला, काले अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा, ये देश का दुर्भाग्य है मोदी का। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, नास्त्रे की भविष्यवाणी सुनिए, उन्होंने मोदी जी के विषय में कहा है या मेरे विषय में कहा है। नास्त्रे ने कभी यह नहीं कहा कि ऐसा व्यक्ति पैदा होगा देश के अंतर्गत में कि जो हिंदू मुसलमान में दरार डालेगा। नास्त्रे ने यह कहा है कि ऐसा संत होगा सफेद कपड़ों में कि जो देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक करेगा।